वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट बाय निधि यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही सिंपल पिकॉक डिज़ाइन बनाएंगे, जो फ्रंट हैंड, बैक हैंड और इवन पैरों पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें सी शेप ड्रॉ करना है। ये स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखें एंड तक, और इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये हमने सी शेप ड्रॉ किया। इसके बाद हम यहाँ से नेक बनाएंगे इस तरह से। नेक बनाने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। सी इसके अंदर हम लीफ शेप जैसे हम ड्रॉ करते हैं, इसी की तरह हम एक और शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम आइस के लिए इस तरह से ओवल शेप ड्रॉ करेंगे, इस तरह से चोंच बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसको हम फील करेंगे, बहुत ही केयरफुली फील करना है ताकि आपकी आउटर शेप जो है वो बिगड़ ना जाए। ये जो आज मैं पिकॉक की आपको डिज़ाइन बता रही हूँ, ये इतनी सिंपल है और शायद यूट्यूब पे आप पहली बार इसको देख रहे होंगे। इसमें कोई इंट्रिकेट पैटर्न्स नहीं ऐड कर रहे हैं हम, फिर भी ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो जिनको मेहंदी नहीं आती और जिनको मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक़ है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट डिज़ाइन है। सिर्फ आप लोग आपको सिंपली अल्फ़ाबेट्स टाइप ड्रॉ करना है और उससे आपको डिज़ाइन बनानी है। ओके, अब जो नेक्स्ट है, हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक लाइंस ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे। तो ये पिकॉक का हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। यहाँ पे हम इस तरह से कलगी बनाएंगे। ओके, अब जो है फीदर पार्ट जो है वो भी हम एकदम एज इट इज़ सिंपल रखेंगे। तो इस तरह से ये मैंने सी शेप से हमने थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में कवर किया। अब जो है हम सी शेप बनाएंगे, एक बड़ा सा डॉट रखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे इस तरह से करना है। इसके अंदर भी हम एक सी शेप बनाएंगे और आपको एक बड़ा सा डॉट रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ से इस तरफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम सी शेप बनाएंगे और फिर यहाँ पे आपको डॉट रखना है। सिमिलरली यहाँ पे हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। पहले हम लीफ शेप ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसके अंदर हमें सी शेप ड्रॉ करना है। अगर आप बैक हैंड पे ये पिकॉक ड्रॉ करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अब जो है हमें ये दो जो हमने फीदर ड्रॉ किए थे उसके बीच में हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, वापस सी शेप बनाएंगे और एक बड़ा सा डॉट रखेंगे। हम शेडिंग नहीं अप्लाई कर रहे हैं या ऐसी कोई भी डिफ़िकल्ट पैटर्न हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। जितना हो सके हम सिंपली पिकॉक ड्रॉ कर रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये जो सी शेप एंड लीफ शेप जो हमने ड्रॉ किया था उसको हम फील करेंगे। आपको जब भी फील करो तो ध्यान रखना है कि पेस्ट जो है वो एकदम मैसी यानी कि एकदम गंदा लुक ना दे। इस तरह से आपको फील करना है कि ये जो हमने बॉर्डर बनाई है इसके बाहर पेस्ट ना जाए। अगर बॉर्डर से बाहर पेस्ट चली गई
तो जो शेप है वो बिगड़ जाएगा और मेहंदी का लुक जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। सी पिकॉक, सिर्फ 5 मिनट में हमने ये पिकॉक ड्रॉ किया और बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी टेक्निक से। फीट जो है वो आपको इस तरह से अब ड्रॉ करना है, दो स्टैंडिंग लाइन बनानी है और इस तरह से हम पिकॉक के फीट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा डॉट रखेंगे आइस के लिए। ये सेम पैटर्न आप अपने शोल्डर पे भी कर सकते हो, सेम पिकॉक, और बैक हैंड पे भी बहुत ही अच्छा लगेगा इस फ्लो में। जैसे कि यहाँ से पिकॉक की नेक स्टार्ट की, इस तरह से पेसली शेप ड्रॉ करके, और यहाँ पे हम फीदर्स जो है वो फिंगर की, फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आप और भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, लाइक एकदम लाइटली आपको पैटर्न ड्रॉ करनी है तो इस तरह से पेसली शेप की पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, स्विल्स पैटर्न ऐड कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ये डिज़ाइन का कि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि हमने शेप्स जो है वो फील किए हैं। तो ये जब मेहंदी सूख जाएगी और आप जब भी ये मेहंदी निकालोगे तो बहुत ही डार्क कलर आएगा, तो जिनको एकदम डार्क स्टेन चाहिए उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये खुद लगा सकते हो अपने हाथों पे, या तो दूसरों के हाथों पे भी आप लगा सकते हो। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है, फर्स्ट टाइम ऐसी कोई पैटर्न अपलोड हुई है पिकॉक डिज़ाइन की मेहंदी में यूट्यूब पे, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।